वेल गाइस, तो फाइनली WWE के NXT स्टैंड डिलीवर पेपर व्यू अब से कुछ मिनटों के अंदर शुरू होने वाला है। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम यहां पर दो ऐसे रेसलर्स को लेकर बात करने वाले गए जो आज यहां पर NXT के स्टैंड डिलीवर शो के ऊपर डेब्यू कर सकते गए। वेल, पहला नाम जो आज यहां पर NXT के स्टैंड डिलीवर के ऊपर पॉसिबली यहां पर डेब्यू कर सकता है, वो यहां पर स्टारडम रेसलिंग की फॉर्मर सुपरस्टार गोलिया होने वाली गए। वेल, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, गोलिया यहां पर ऑलरेडी WWE के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर फिलाडेल्फिया के अंदर पहुंच चुकी गए, और लास्ट नाइट स्मैकडाउन के ऊपर भी गोलिया यहां पर NJPW के WWE के बैकस्टेज एरिया पर मौजूद थी। और अब यहां पर आज WWE का NXT स्टैंड डिलीवर वो शो हो सकता है जहां पर गोलिया पॉसिबली उनका डेब्यू करेंगी, और हो सकता है क्राउड के बीच में हमें यहां पर आज गोलिया देखने को मिली। बट गाइस, गोलिया के बाद जो दूसरा नाम पॉसिबली डेब्यू कर सकता है वो NJPW के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार तमा तोंगा होने वाले गए। वेल, तमा तोंगा के NJPW को लीव करने के बाद मल्टीपल रिपोर्टर्स के द्वारा यह कंफर्म किया गया है कि तमा तोंगा यहां पर NJPW को छोड़ने के बाद WWE को ज्वाइन करने वाले गए। और क्योंकि लास्ट नाइट WWE के हॉल ऑफ फेम के ऊपर तमा तोंगा के फादर हाकू यहां पर WWE के शो पर मौजूद थे, तो इस चीज के तगड़े चांसेस है कि आज यहां पर NXT के पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर तमा तोंगा का डेब्यू देखने को मिले, और पॉसिबली शो के ऊपर फाइनली यहां पर बैड बॉय WWE के ऊपर उनका डेब्यू करे। वेल, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पेपर व्यू के ऊपर तमा तोंगा और गोलिया में से कोई एक यहां पर डेब्यू करता है या नहीं।